बैन इन इंडिया अगेन। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक एक बार फिर इंडिया में बैन होने वाला है। इससे पहले भी टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ था, उस टाइम प्ले स्टोर से भी टिकटॉक की ऐप रिमूव कर दी गई थी। उस टाइम टिकटॉक पूरी तरह से बैन हो गया था। उसके बाद टिकटॉक ने इंडियन गवर्नमेंट से बोला कि वो अपनी कुछ पॉलिसी में सुधार करेंगे। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से टिकटॉक को अलाउ कर दिया था। टिकटॉक जो बैन था वो बैन हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर टिकटॉक बैन हो सकता है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। ट्विटर पे बहुत से लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि टिकटॉक बैन होना चाहिए। योगी जी को, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ढेर सारे ऐसे ट्वीट किए गए हैं। कुछ ट्वीट तो ट्रेंड भी कर रहे हैं जहाँ पे बैन टिकटॉक इन इंडिया, टिकटॉक बैन, इस तरह के ट्विटर पे लोग ट्वीट कर रहे हैं और बहुत से लोग इन ट्वीट्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं। टिकटॉक चीन का एप्लीकेशन है जो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। चीन के कई एप्लीकेशन है, सपोज डैट मान लीजिए कि यूसी ब्राउज़र जो आपकी प्राइवेसी को शेयर करता है, इसी तरह और भी कई चीन के एप्लीकेशन हैं जो आपकी प्राइवेसी को ख़तरे में डालते हैं। इसी तरह टिकटॉक भी आपकी प्राइवेसी को शेयर करता है, आपके प्राइवेट डेटा को इनसिक्योर करता है, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को चुराता है। टिकटॉक आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। साथ ही साथ टिकटॉक पे कई ऐसे वीडियोस हैं जो बहुत ज़्यादा वल्गर हैं और टिकटॉक इन वीडियोस को रोकने के बजाय इन वीडियो को और ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। इससे पहले भी मद्रास हाईकोर्ट में टिकटॉक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। तब टिकटॉक ने ये बोला था कि वो अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस में सुधार करेगा, जिसके बाद कुछ उल्टे सीधे वीडियोस टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे नहीं अपलोड होंगे। टिकटॉक के अपलोड प्लेटफॉर्म पे जो भी पहले से वल्गर कंटेंट अपलोड था, टिकटॉक ने उन वीडियोस को भी डिलीट किया था। लेकिन सिर्फ ये बात कहने की थी, टिकटॉक ने अपनी पॉलिसी में कुछ भी सुधार नहीं किया है। टिकटॉक ने कम्युनिटी गाइडलाइंस पे कुछ भी सुधार नहीं किया है। टिकटॉक पे आज की डेट में भी बहुत से बेकार वीडियोज़ हैं। कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जो लोगों के धर्म को उल्टा सीधा बोलते हुए वीडियोज़ बनाते हैं और उन वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया जाता है। ऐसे वीडियोस जो कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ हो, उन्हें टिकटॉक पे अपलोड करा जा रहा है। टिकटॉक पे किसी के भी बारे में, किसी के भी धर्म के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है, ये वीडियोस कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। टिकटॉक इन वीडियोस को बैन करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है। टिकटॉक अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस पे, अपने वीडियोस के कंटेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिस वजह से बहुत से लोगों की ये डिमांड है कि टिकटॉक को अब इंडिया में बैन किया जा चुका है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका में भी टिकटॉक ऐप बैन हो सकता है। साथ ही साथ ट्विटर पे चल रहे ट्रेंड के मुताबिक हो सकता है कि इन फ्यूचर टिकटॉक की ऐप इंडिया में भी पूरी तरह से बैन हो जाए। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि टिकटॉक की ऐप बैन करना चाहिए या नहीं? ये वाकई में एक बहुत बैड न्यूज़ है उन यूज़र्स के लिए जो टिकटॉक पे मिलियंस फॉलोवर गेन कर चुके हैं, जो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, जो टिकटॉक पे बहुत सारे लाइक्स पाते हैं, बहुत सारे फॉलोवर्स जिनके बन चुके हैं। ये एक बैड न्यूज़ है, लेकिन आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि टिकटॉक इंडिया में बैन होना चाहिए या नहीं, और होना चाहिए तो क्यों, और नहीं बैन होना चाहिए तो क्यों? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोग भी ये बात जान सके, समझ सके कि टिकटॉक कभी भी बैन हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।